नमस्कार। लाइफ में एक बात ध्यान रखना, आपको सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है, वो याद रखना, वो दिमाग में बैठा लेना। लोग क्या करते हैं, उस अंतर को याद नहीं रखते और जीवन में बड़ा फिर पछताते, रिग्रेट करते हैं। ध्यान रखना, सफलता भी मिलेगी असफलता भी मिलेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज याद रखना, वो चीज क्या है। असफलता मिले तो उसको दिल पर मत लेना, ये बात आप ध्यान रखना। असफलता मिली, आप कोई कार्य आपने शुरू किया और जी जान लगा दिया, 101% उस कार्य में लगाया और असफलता मिल गई, तो आप क्या करोगे, दिल पे ले लोगे, अपने आप को हताश निराश मान लोगे कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे असफलता क्यों मिली, मैंने तो रात दिन मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ध्यान रखना, लाइफ में सफलता भी मिलेगी असफलता भी मिलेगी, जब असफलता मिले तो उसे दिल पर मत लेना। असफलता मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिली है, लेकिन उससे सीख ले और आगे बढ़ना, वहीं पर अपने जीवन का अंत मत कर देना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नीट जेईई और आईएएस आरएएस की तैयारी करते हैं और असफलता मिलती है तो क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। असफलता मिलती है तो वो अपनी असफलता को दिल पर ले लेते हैं, असफलता को दिल पर मत लेना। असफलता को एक नॉर्मल रूप में लेना कि हाँ मिली है तो कोई बात नहीं, आगे मुझे सफलता भी मिलेगी। ध्यान रखना, जिस जिस व्यक्ति ने असफलता को दिल पर लिया ना, उसने अपनी जीवन खत्म किया, उसने सुसाइड किया, या फिर वह जीवन में कुछ नहीं कर पाया, बस असफलता का रोना लेकर रोता रहा। इसलिए असफलता को कभी दिल पर मत लेना। दूसरी एक बात ध्यान रखना, जब भी सफलता मिले तो उसे दिमाग में हावी मत होने देना। बहुत से क्या करते हैं, सफलता मिलती है तो दिमाग में हावी कर लेते, अपने आप में अहंकार भर लेते कि मैं हूं जो हूं, जो मैं हूं, दूसरों को कुछ समझना नहीं, मुझे ही सफलता मिली है। सफलता को भी नॉर्मल रूप में लेना, उसे कभी दिमाग में अपने आप में घमंड अहंकार मत आने देना सफलता का। जिस दिन आपने सफलता का अहंकार और घमंड कर लिया ना, उस दिन आप शून्य हो जाओगे, उस दिन आप खत्म हो जाओगे। ध्यान रखना, आज सफलता मिली है तो कल असफलता मिलेगी, और जब असफलता मिलेगी तब आप क्या करोगे, तब आपका घमंड, तब आपका अहंकार कहां जाएगा। इसलिए सफलता और असफलता के बीच में ये चीज जरूर याद रखना, जब असफलता मिले तो उसे दिल पर मत लेना, और जब सफलता मिले तो उसे अपने दिमाग में हावी मत करना। ये बातें आप जरूर याद रखना। हर मुश्किल में आप हर बाधा पार कर जाओगे, अगर यह बात आपको याद है, क्योंकि सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी दुनिया में। कोई भी एक चीज, इस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं है, सुख और दुख तो आते रहेंगे। कहते हैं ना कि दिन भी आती है और रात भी आती है, रात भी आता है दिन भी आता है। तो फिर आप सफलता को लेकर अपने आप में घमंड क्यों करते हो, अहंकार क्यों करते हो। आज सफलता मिली है तो कल असफलता भी मिलेगी, और जब असफलता मिलती है तो उसे दिल पर क्यों लेते हो, अपने आप दिल पर पत्थर क्यों रखते हो। कोशिश करते रहना, असफलता से सीखते रहना, आज असफलता मिली है तो कल सफलता भी मिलेगी। तो सफलता और असफलता के बीच में ये बात जरूर याद रखना।